गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में वंदन कर प्रारंभ करते हैं। स्थापत्य वेद व ज्योतिष शास्त्र, इनका अंतर संबंध, इस विषय में विचार चल रहा है। पिछली इकाई में हम ज्योतिष की प्रारंभिक चर्चा कर चुके हैं, देख चुके हैं। उसमें हमने नक्षत्र को देखा और राशियों को समझा, ग्रहों के नाम को भी जाना। पिछली इकाई में हमने देखा नक्षत्र 27 होते हैं, उसके नाम तो आपको याद करना ही है, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृक्षरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा मघा, पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा शतभिषा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 27 नक्षत्र अपन देख चुके हैं। 12 राशियां होती हैं, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, इसको भी देख चुके हैं। ग्रह 9 होते हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और 2 छाया ग्रह राहु और केतु। इतना अध्ययन करने के उपरांत अब थोड़ा और विषय की गहराई में चलते हैं। ये जो 27 नक्षत्र हैं, इनकी अलग अलग संज्ञाएं हैं, इनके वर्ग बना दिए। जैसे इन नक्षत्रों के गुण हैं, उन गुणों के आधार पर इन नक्षत्रों की संज्ञाएं हैं। कैसी संज्ञा? जैसे कुछ नक्षत्रों को कहा कि ये अधोमुख हैं, अधोमुखी हैं, अधोमुखी अर्थात इनका मुख नीचे की ओर है। कुछ नक्षत्रों की संज्ञा दी, ये ऊर्ध्वमुखी हैं, उनका मुख ऊपर की ओर है। कुछ नक्षत्रों को बताया कि ये स्थिर हैं, इनकी प्रकृति कैसी है? स्थिर है। कुछ की प्रकृति बताई, चर है, कुछ की उग्र है, कुछ नक्षत्रों की प्रकृति मृदु है। तो ये जो इनकी प्रकृति है नक्षत्रों की, या जो इन नक्षत्रों के गुण हैं, तो ये हमें किस में सहायक होते हैं? ये मुहूर्त में सहायक होते हैं कि जैसी नक्षत्र की प्रकृति है उसके अनुसार कार्य उस नक्षत्र में करना। थोड़ा सरल करते हैं अभी। जैसे किसी नक्षत्र की प्रकृति बताई अधोमुखी, अर्थात उनका मुख नीचे की ओर है, तो खुदाई का कार्य आरंभ करना हो तो अधोमुख नक्षत्र में आरंभ करो। तो अधोमुख नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो अधोमुख नक्षत्र इन्होंने बताए, 3 पूर्वा, यानी पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साड़ा, पूर्वा भाद्रपद, और कौन से हैं? आश्लेषा भरणी कृतिका मूल मघा विशाखा। ये नक्षत्र कैसे हैं? ये नक्षत्र अधोमुखी नक्षत्र है, अर्थात जब इन नक्षत्रों में चंद्रमा आए, हम देख चुके हैं कि चंद्रमा जो है वो 27 दिन में एक परिक्रमा पूरी करता है, अर्थात लगभग चंद्रमा एक नक्षत्र में एक दिन रहता है। तो कोई सा भी नक्षत्र है, अब दोबारा वो कब आएगा? 27 दिन बाद आएगा, 28वें दिन। तो हमें खुदाई का आरंभ करना हो तो कब कब कर सकते हैं नक्षत्र के अनुसार? तो कहा ये अधोमुखी नक्षत्र हैं, जब इन नक्षत्रों में चंद्रमा हो तो खुदाई का आरंभ करना। तो ये नक्षत्रों की अलग अलग संज्ञाएं होती हैं, अधोमुख नक्षत्र हैं, ऊर्ध्वमुख नक्षत्र हैं, है ना। जैसा कार्य करना है वैसे नक्षत्र में प्रारंभ करें,
स्थिर कार्य करना हो ग्रह प्रवेश आदि, तो जब स्थिर नक्षत्र में चंद्रमा हो तब ग्रह प्रवेश करें। मुहूर्त ज्ञात करने के 5 आधार होते हैं। ये जो पंचांग होता है ना, पंचांग पंच अंग कौन कौन से, तिथि वार नक्षत्र योग और करण, इसको पंचांग कहते हैं। तो जब भी किसी कार्य हेतु मुहूर्त ज्ञात करते हैं तो उस दिन जिस दिन उस कार्य को करना हो, ये 5 अंग कौन कौन से हैं, तिथि क्या है, वार क्या है, नक्षत्र उस दिन क्या है, योग कौन सा चल रहा है और करण कौन सा है, इसके आधार पर मुहूर्त ज्ञात करते हैं। मुहूर्त ज्ञात करने के ये 5 आधार हैं, तिथि वार नक्षत्र योग और करण। तो एक जो पैरामीटर है, एक जो क्राइटेरिया है वो है नक्षत्र। नक्षत्र का बहुत अधिक महत्व है। नक्षत्र तारों के समूह को कहते हैं। जिस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो वह उस दिन का नक्षत्र कहलाता है, है ना। ये नक्षत्र जो है ये 27 पत्नियां हैं। किसकी, चंद्रमा की। चंद्रमा को शास्त्र में नक्षत्राधिपति कहा है, नक्षत्रों का वो अधिपति है। तो जिस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र का भोग करता है, जिस नक्षत्र के साथ रहता है, वह उस दिन का नक्षत्र होता है। स्पष्ट हो रहा है अपन क्या समझ रहे हैं। अपन ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र का अंतर संबंध समझ रहे हैं कि ज्योतिष का ज्ञान क्यों आवश्यक है। अब किसी कार्य हेतु मुहूर्त निकालना है, ग्रहारंभ कब करना, खुदाई कब करना, स्तंभ की स्थापना कब करना, ग्रह प्रवेश कब करना, तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। तो नक्षत्र के आधार पर कैसे करना, तो जैसी नक्षत्रों की संज्ञाएं हैं उसके अनुसार उस नक्षत्र में वह कार्य करना। जैसे हमने देखा अधोमुख नक्षत्र है तो खुदाई आरंभ कर सकते हैं, जलाशय का प्रारंभ कर सकते हैं, बोरिंग करवा सकते हैं, कुआं खुदवा सकते हैं। किसमें, अधोमुख नक्षत्र में। नींव की खुदाई करना है अधोमुख नक्षत्र में। इसी प्रकार ऊर्ध्वमुख नक्षत्र हैं जिनका मुख ऊपर की ओर है, उसमें किन कार्यों को करना, स्तंभ की स्थापना करना। अब कार्य को ऊपर बढ़ा रहे। स्थिर संज्ञक नक्षत्र है, स्थिर कार्य करना जैसे ग्रह प्रवेश। चर अर्थात चलने वाला, मूवेबल जो कार्य है वो चर संज्ञक नक्षत्र में करना। इस प्रकार से नक्षत्रों के अनुसार मुहूर्त ज्ञात किया जाता है। उसके अलावा तिथि है, पंचांग के 5 अंग, तिथि वार नक्षत्र योग और करण। तिथि क्या है, सूर्य और चंद्रमा की परस्पर दूरी को तिथि कहते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ हैं, एक ही राशि में हैं, एक ही नक्षत्र में हैं, अब चंद्रमा नहीं दिखेगा। क्यों, कि वो सनलाइट को अब रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो उस तिथि को क्या कहा, उसको कहा अमावस्या। अब चंद्रमा तो तेजी से चलता है 360 डिग्री, उसको 27 दिन में कवर करना है। सूर्य को 360 डिग्री कवर करने में एक वर्ष लगेगा। तो चंद्रमा सूर्य से आगे बढ़ा बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए 180 डिग्री पर, है ना। जब इधर सूर्यास्त हुआ पश्चिम में, उधर पूर्व में चंद्रोदय हो रहा है पूर्व दिशा में, तो क्या कहा, पूर्णिमा। 180 डिग्री का एंगल, 15 दिन दोनों के बीच का अंतर। फिर चंद्रमा आगे बढ़ा 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 और फिर वापस सूर्य के साथ हुआ, तो कहा अमावस्या। 30 दिन हुए। तो ये जो तिथियां हैं ये सूर्य और चंद्रमा की परस्पर दूरी। अमावस के बाद जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ने लगी तो कहा शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा के पश्चात जब चंद्रमा की कलाएं घटने लगी तो कहा कृष्ण पक्ष। तो पक्ष कितने हैं एक महीने में, 2 पक्ष।
शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और तिथियां कितनी हैं? एक पक्ष में 15, प्रथमा कहो, पड़वा कहो, प्रतिपदा कहो, एकम कहो, तो एकम है, दूज है, तीज है, चतुर्थी, पंचमी, है ना, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसमी, ग्यारस या एकादशी, और बारस या द्वादशी, तेरस, चतुर्दशी और पूर्णिमा या अमावस्या। ये 15 तिथि हैं, 15 कृष्ण पक्ष की और 15 शुक्ल पक्ष की। अब मुहूर्त की दृष्टि से कहो या ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से कहो तो तिथियों की संज्ञाएं हैं। तो चतुर्थी, नवमी और चौदस, इसको कहते हैं रिक्ता तिथि। रिक्ता, रिक्त अर्थात खाली कर देने वाली, है ना। ये जो प्रतिपदा है, जो छठ है और जो ग्यारस है, इसको कहा नंदा। फिर उसी प्रकार दूज है, सप्तमी है, बारस है, नंदा के बाद भद्रा, फिर तीज है, अष्टमी है और तेरस है, इसको कहा जया। चतुर्थी, नौमी, चौदस को कहा रिक्ता, पंचमी, दसवीं और पूर्णा को कहा, पूर्णिमा को कहा पूर्णा। तो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, है ना, तो ये तिथियां हैं। इनमें रिक्ता तिथि को ग्रह आरंभ, ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए। पंचांग के जो 5 अंग हैं, तो मुहूर्त का ज्ञान क्यों आवश्यक है, ज्योतिष का ज्ञान क्यों आवश्यक है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी हमने नक्षत्र देखा कि जैसा नक्षत्र हो वैसे कार्य करना। अब तिथियों को देख रहे हैं कि ग्रह आरंभ में, ग्रह प्रवेश में कौन सी तिथियां वर्जित हैं। तो कहा चतुर्थी, नवमी, चौदस, अमावस। चतुर्थी, नवमी, चौदस को क्या कहा? रिक्ता तिथि कहा। तो रिक्ता तिथि में ग्रह आरंभ, ग्रह प्रवेश नहीं करना। इसी प्रकार 27 योग हैं, तिथि, है ना, नक्षत्र, तिथि, वार, योग और करण, ये 5 अंग हैं। तो 27 योग हैं, 7 वार हैं, 11 करण हैं। वार को और देखते हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 वार हैं। अपने यहाँ गणना कहाँ से प्रारंभ होती है? रविवार से। तो रविवार, मंगलवार और शनिवार, इनको सामान्य रूप से, इन जनरल, वह ग्रह आरंभ और ग्रह प्रवेश नहीं करते। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये शुभ हैं, शुभ कार्यों के लिए ये वार शुभ हैं। और उग्र ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य उग्र है, मंगल उग्र है, शनि को उग्र कहा, तो इनके जो वार हैं उसमें ग्रह आरंभ, ग्रह प्रवेश सामान्य रूप से नहीं करते। जब शुभ योग आ जाता है तो फिर वार का दोष नहीं लगता। तो योग 27 हैं, उनको भी देखेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान क्यों आवश्यक है? मुहूर्त ज्ञात करने के लिए। अभी और आगे देखेंगे कि किसी हॉरोस्कोप में, पत्रिका में कोई दोष हो तो उसको ढूंढने के लिए और उसका उपाय के लिए भी ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। अभी क्या देख रहे हैं? पंचांग के 5 अंग। क्या देखा? तिथि देखी, वार देखा, नक्षत्र देखा। अब योग और करण है, तो योग कितने हैं? योग 27 बताए गए हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, जो नाम है वही गुण है। तो 27 योग कौन कौन से हैं? पहला है विष्कम्भ, प्रीति, दूसरा फिर आयुष्मान, उसके बाद क्रमशः सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, फिर है हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान, परिघ, फिर है शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल,
ब्रह्मा, ऐन्द्र और वैधृति। ये योग क्या है? ये ज्योतिष की गणना में आता है कि सूर्य से, है ना, एक डेटम बना लिया, एक डेटम बनाया पहले, और वहां से सूर्य और चंद्र की जो स्थिति है उसके योग को योग कहते हैं। आकाशीय स्थिति है अभी, इतना समझ लो, और ये योग का बड़ा प्रभाव है। तो जैसा योग का नाम है वही उसका गुण है। जैसे प्रीति शुभ है, आयुष्मान शुभ है, सौभाग्य शुभ है, शोभन शुभ है, सुकर्मा शुभ है आदि। और जैसा अशुभ योग में का शूल है, गंड है, है ना, व्यतिपात है, ये योग कैसे हैं? ये अशुभ योग हैं, तो योग का ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार 11 करण है। तो जब भी कभी अपन किसी मुहूर्त को ज्ञात करते हैं वास्तु की दृष्टि से, तो इन 5 अंगों का विचार करते हैं। स्पष्ट हो रहा है थोड़ा थोड़ा? बार 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 जब इसको दोहराएंगे तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा, ज़्यादा क्लियर होगा। अभी कभी नई टर्मिनोलॉजी लगे नक्षत्रों की, ग्रहों की, राशियों की, तो पहले इसको समझ लो, याद कर लो, फिर विषय सरल हो जाएगा। ऐसे ही क्या है कि किसी व्यक्ति के जीवन में कष्ट चल रहा है, परेशानी है, कठिनाई है, और जब हम उस व्यक्ति के परामर्श के लिए जाते हैं, अध्ययन करते हैं, और हमने घर देखा, स्थान देखा, ऑफिस देखी, फैक्ट्री देखी, इंडस्ट्री देखी, उसकी जहाँ भी वो कार्य करता है सब ठीक है मान लो, फिर भी कठिनाई है, तो हमें ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान आवश्यक है कि कहीं उसके जीवन में ये जो समय चल रहा है उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के कारण। तो जो उसकी पत्रिका होती है, जन्म पत्रिका होती है, हॉरोस्कोप जिसको कहते हैं, उसमें महादशा देखते हैं। महादशा, ये जो नवग्रह होते हैं इनमें प्रत्येक ग्रह का समय व्यक्ति के जीवन में आता है। सूर्य का समय आता है 6 वर्ष के लिए, चंद्रमा का आता है 10 वर्ष के लिए, मंगल का 7 वर्ष के लिए, राहु का 18 वर्ष के लिए, गुरु का 16 वर्ष के लिए, इस प्रकार ग्रहों का समय आता है। तो मनुष्य की आयु 120 वर्ष शास्त्र में मानी गई है। उसके आधार पर जो महादशा होती है उसको विंशोत्तरी महादशा कहते हैं। विंश अर्थात 20, शत यानी 100। तो ये विंशोत्तरी महादशा के अनुसार व्यक्ति के जीवन में जब कष्ट आता है तो उसका निर्धारण करना कि ये समस्या ज्योतिष के कारण है या वास्तु के कारण है। तो क्या होता है, यदि हमें पता लग जाए कि उसके जीवन में जो कष्ट है, कठिनाई है, समस्या है, वो ज्योतिष के कारण है, महादशा के कारण है, कोई ग्रह उसकी हॉरोस्कोप में, पत्रिका में निर्बल है, कमज़ोर है, उसके कारण है। क्या होता है, देखो सरल शब्दों में देखो, किसी को विटामिन ए की कमी है तो डॉक्टर क्या कहेगा, भाई विटामिन ए के पदार्थ खाओ जिनमें विटामिन ए पाया जाता है, ज़्यादा कमी हो तो टेबलेट है, कैप्सूल है, उसको प्रिस्क्राइब करेगा, बताएगा। अत्यधिक कमी है तो इंजेक्ट करेंगे शरीर में, इंजेक्शन लगा के, सेलाइन चढ़ाकर वो पदार्थ शरीर में डाला जाता है। इसी प्रकार जब कोई ग्रह जिसका समय जीवन में चल रहा हो, वो जन्म के समय कमज़ोर था, निर्बल था, तो उस ग्रह से संबंधित जो भी शरीर में ग्लैंड्स थे, अवयव थे, अवयव हैं, उनको पोषण नहीं मिला। जैसे जन्म के समय आकाश में जो ग्रह नक्षत्र थे उनकी जो स्थिति थी, उनमें से कोई ग्रह जो है वो नीच राशि का है, निर्बल है, है ना, तो उसका जो प्रभाव पड़ा व्यक्ति के शरीर पर जब उसने जन्म लिया, तो जो ग्लैंड उस ग्रह से, प्लेनेट से संबंधित थी, उसको उस ग्रह का पूरा पोषण नहीं मिला, तो वो जो ग्रंथि है, ग्लैंड है,
शरीर का जो अवयव है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया। उससे क्या हुआ, उससे जब उस ग्रह का जीवन में समय आया जिसको अपन क्या कहते हैं महादशा, तो वह व्यक्ति उस समय कठिनाई का अनुभव कर रहा है, तो क्या करते हैं उस ग्रह के लिए उपाय बताते हैं कि ये रत्न धारण करो, इस प्रकार का भोजन करो, इस प्रकार का मंत्र जप करो, है ना, इस प्रकार का उपवास करो, इस प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करो, तो उससे क्या होगा वो ग्रह की शांति होगी। शांति होगी अर्थात क्या है, उस ग्रह का पोषण मिलके वो ग्रह ठीक होगा, उसकी जो डिफिशियंसी है वो दूर होगी। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपको उस व्यक्ति के, है ना, रोग का कारण कहो या समस्या का कारण कहो, जब तक ये ज्ञात नहीं होगा आप हल किस प्रकार देंगे। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने क्या समझा, क्या जाना कि ये जो 27 नक्षत्र हैं इनकी अलग अलग संज्ञाएं होती हैं, और ये संज्ञा किस प्रकार की है, अधोमुख है, ऊर्ध्वमुख है, चर है, स्थिर है, उग्र है, मृदु है, त्रियक है, ये संज्ञाएं। जिस प्रकार का कार्य अपने को करना हो उस प्रकार का नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन कार्य करना। फिर क्या समझा, फिर ये जाना पंचांग के 5 अंग होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो मुहूर्त ज्ञात करने के लिए ये तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इनका ज्ञान आवश्यक है, पंचांग में होता है ये। तिथियां कौन कौन सी अशुभ बताई, चतुर्थी, नवमी, 14, ये रिक्ता तिथि हैं, और अमावस, इस दिन ग्रह आरंभ, ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए। वार कौन कौन से वास्तु के लिए शुभ नहीं है, रविवार, मंगलवार और शनिवार। योग 27 होते हैं, जैसा योग का नाम है वैसा उनका गुण है। करण 11 होते हैं, इनमें विष्टिकरण अशुभ है, उसमें कार्य को आरंभ नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने ये देखा, ये जाना कि ये जो नवग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनका समय व्यक्ति के जीवन में आता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता है, उसको कहते हैं महादशा। तो ये ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान क्यों आवश्यक है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में किसी ग्रह के कारण जब उसका समय आया, महादशा आई, वह अशुभ है और हमें उसका रिजल्ट या परिणाम चाहिए कि वो व्यक्ति जो है वो उन्नति करे, विकास करे, तो कोई उपाय बताना है, तो जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसका उपाय करने से वो ठीक होगा। वास्तु में तोड़फोड़ कराने से, कुछ इधर उधर करने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो ज्योतिष का ज्ञान क्यों आवश्यक है, एक स्थपति को, एक वास्तुशास्त्री को मुहूर्त ज्ञात करने के लिए, है ना, समस्या का पता लगाने के लिए ये ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। आज इतना ही कह के वाणी को विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।